तिल या मोल ऐसी चीज है जो आजकल ज्यादातर हर किसी को आता है। कुछ लोग इसे ब्यूटी मार्क या लकी चार्म मानते हैं, तो कभी कभी अनलकी भी समझते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है और सामने वाला टॉपिक के अलावा आपके मोल को देख रहा है तो सिचुएशन ऑकवर्ड या फिर अजीब हो ही जाती है। स्पेशली अगर फेस पर बड़ा मोल होता है तो हम ज्यादातर उसे कैसे निकाले ये सोचते हैं, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मोल निकालने पर स्कार या स्पॉट रह जाता है और तो और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी रहता है, जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कुछ सिंपल और घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आप मोल को बिना स्कार, स्पॉट से या पेन के निकाल सकते हैं। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आजकल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मोल्स कैसे आते हैं। बहुत ज्यादा देर धूप में रहने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ऑयली ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो इस मोल्स से छुटकारा पाने के लिए आप ये होम रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर। मोल पर एप्पल सिडर विनेगर में डिप किया हुआ कॉटन लगाए और लगाने के बाद बैंडेज से स्टिक कर दे, फिर 5 से 6 घंटा रहने दीजिए। विनेगर के अंदर के एसिडिटी मोल को सूखा देती है और फिर पपड़ी बनने पर अपने आप अंत में गिर जाती है। बनाना पील। बनाना के छिलके लेकर उसके अंदर का हिस्सा मोल की तरफ फेस करते हुए बैंडेड से स्टिक कर दे और ओवरनाइट रखे। बनाना के अंदर जो एंजाइम्स एंड एसिड्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, वो अनवांटेड मोल्स को निकाल देते हैं। गार्लिक। गार्लिक को निचोड़ कर पेस्ट बना ले और फिर कॉटन के कपड़े के साथ मोल पर लगाकर ओवरनाइट रखे। इसे धीरे धीरे पपड़ी बन जाएगी और फिर अंत में गिर जाएगा। लेमन जूस। लेमन जूस को कॉटन में डिप करके लगाइए और लगाने के बाद बैंडेज से स्टिक कर दे, फिर 20 मिनट के लिए रहने दे। लेमन के एसिड से मोल सूख कर उसकी पपड़ी बन जाएंगी और फिर वो भी अंत में गिर जाएंगे। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल को कॉटन में डिप करके लगाए और लगाने के जितने देर तक लगा सकते हैं उतने देर तक रखें। बरसों से स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए ऑयल यूज किया जाता है और टी ट्री ऑयल बेस्ट है स्किन के लिए, जिसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है जो मोल निकाल देता है। इससे नहीं कोई साइड इफेक्ट्स होंगे और नहीं कोई बर्निंग या इरिटेशन। पोटैटो। पोटैटो का स्मॉल पीस लें और मोल पर रब करें। आप इसे बैंडेड से भी लगाकर रख सकते हैं जब तक वो अपने आप स्लॉज ऑफ नहीं हो जाता। पोटैटो के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन क्लियर और लाइटनिंग भी करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो आप यूज करके अपने मोल को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।